वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके लिए फिर से एक नए तोरण का डिज़ाइन लेकर आई हूँ तो देखिए उसे बनाने के लिए मैंने ये मरून कलर और ये पैरेट ग्रीन कलर वूल ले लिया है और दस नंबर की क्रोशिया तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कलर का उल लेकर हमें एक नॉट क्रोशिया के ऊपर लगा देना है और फिर इसमें इस तरह से एक दो इसी तरह से हमें चौदह चैन बनाना है तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये देखिए इस तरह से हमें चौदह चैन बना लेना है और फिर यहाँ से हमें तीन चैन स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से एक एक बार हर एक चैन में एक एक बार हमें इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेना है देखिए नीचे हमने जितना भी चैन बनाया है हर एक चैन में हमें एक एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया करते जाना है फिर देखिए नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार इसी तरह से हमें ये एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है इस तरह से हमने ये दस चैन में दस बार डबल सॉरी ग्यारह चैन में ग्यारह बार डबल क्रोशिया और एक यहाँ पे जो हमने थ्री चैन स्किप किया था एक वो टोटल बारह डबल क्रोशिया हमारा हो गया है अब यहाँ से हमें एक दो तीन तीन चैन बनाकर इस तरह से टर्न करना है और जो हमने नीचे बारह डबल क्रोशिया बनाया है ऐसे ही हर एक के ऊपर फिर से हमें इस तरह से बारह डबल क्रोशिया बना लेना है ये देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेना है ये देखिए इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इसे बनाना है ये देखिए ऐसे ही हमने ये दूसरी लाइन में भी बारह डबल क्रोशिया बना लिया अब यहाँ से एक दो तीन चैन बना के फिर से ऐसे टर्न करना है फिर सेम उसी तरह से हमें बारह डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही बारह डबल क्रोशिया बना लेना है ये बहुत इजी तोरण पट्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है ये देखिए इस तरह से फिर से हमें बारह डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही बारह डबल क्रोशिया कर लेना है इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये थ्री लाइन बना के दिखाया है फ्रेंड सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है मुझे जितना लंबा चाहिए था मैंने उस हिसाब से बना लिया है आपको जितना लंबा चाहिए आप अपने डोर के अकॉर्डिंग इसे बना लीजिए मैं पट्टी के चारों तरफ से बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए मैंने ये पैरेट ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है क्रशिया पे इस तरह से अब हमें इसमें देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे इसे जॉइंट कर लेना है वूल को अब इसके बाद देखिए हमें इसमें एक दो तीन तीन चैन बनाना है और फिर यहाँ पे एक दो तीन तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया कर देना है फिर ऐसे ही एक दो तीन तीन चैन बनाना है फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया कर देना है फिर इसी तरह से फिर एक दो तीन चैन बनाना है फिर यहाँ लास्ट में हमें इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ बंद कर देना है फिर ऐसे ही देखिए एक दो तीन तीन चैन बनाना है फिर यहाँ पे हमें इसे फिर से ऐसे ही बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया के साथ फिर ऐसे ही एक देखिए फिर एक दो तीन चैन बनाना है फिर यहाँ पे इसे हमें बंद कर देना है फिर ऐसे ही एक दो तीन चैन बनाना है फिर यहाँ पे बंद कर देना है इसी तरह से सिंग तीन तीन चैन और एक एक सिंगल क्रशिया के साथ हमें इस तरह से ये बॉर्डर पूरा बनाना है ये देखिए फिर यहाँ पे हमें तीन चैन बनाना है और एक सिंगल क्रशिया के साथ यहाँ पे बंद कर देना है फिर एक दो तीन चैन फिर यहाँ पर सिंगल क्रशिया के साथ हमें इसे बंद कर देना है इसी तरह से हमें ये तोरण पट्टी के चारों तरफ ऐसे ही बना लेना है तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखा देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से मैंने तोरण पट्टी के चारों तरफ से ऐसे ही बॉर्डर बना लिया है और लास्ट में यहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट करके ऊल को कट कर दिया है अब हमें तोरण बनाना है तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट कर तोरण का एक पैटर्न मैंने पहले से ही बना कर ले लिया है तोरण को हमें थ्री पैटर्न में बनाना है तो देखिए इस तरह से तोरण पट्टी को रख कर ऐसे थ्री पैटर्न में डिवाइड कर लेना है तो एक तरफ का मैंने एक पार्ट बना लिया है देखिए अगर हम इसे पूरी तोरण पट्टी में काउंट करेंगे तो देखिए मैंने जैसे ये एक ये जो हमने चैन बनाया है थ्री थ्री चैन का बॉक्स ऐसे ही मेरा ये टोटल सिक्सटी एट बॉक्स है जैसे एक दो तीन चार पाँच इसी तरह से मैंने ये काउंट किया तो मेरा पूरे तोरण पट्टी में सिक्सटी एट था तो इसे मैंने ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ऐसे बाईस बाईस का थ्री पार्ट में डिवाइड कर लिया है तो एक तरफ देखिए हमने बाईस चैन के बॉक्स में एक पैटर्न बनाया है ऐसे ही हमें फिर बाईस चैन के बॉक्स में दो पैटर्न फिर ऐसे तीन पैटर्न इसी तरह से हमें बना लेना है तो चलिए मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ इस तरह से हमें पैरेट ग्रीन कलर का वो लेकर क्रोशिया पे एक नॉट बांध लेना है इस तरह से अब यहाँ से देखिए तोरण पट्टी से जहाँ पे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न बना के फिनिश किया है उसके जस्ट बगल वाले से हमें काउंट करना है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये दस बॉक्स छोड़ के ग्यारह नंबर के बॉक्स में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है अब हमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ चैन बनाना है इसके बाद एक बॉक्स को स्किप करके दूसरे बॉक्स में हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है और फिर देखिए हमें एक दो, दो चैन लेकर फिर नेक्स्ट बॉक्स में हमें ये जो चैन का बॉक्स है वहाँ पे हमें इतना स्पेस देते हुए बांध लेना है फिर ऐसे टर्न करना है टर्न करने के बाद इसमें हमें इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाना है एक दो ऐसे टोटल पंद्रह डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो हमने दो चैन यहाँ पे लेकर इसे बांधा था एक उसे भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो टोटल हमें सिक्सटीन सोलह चैन सॉरी सोलह डबल क्रोशिया बना लेना है इसी तरह से ये देखिए पाँच छ सात इसी तरह से हमें पूरा सोलह डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से हमने ये सोलह डबल क्रोशिया कर लिया अब जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया था उसके जस्ट बगल वाले चैन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है ये देखिए इस तरह से अब हमें फिर से एक दो तीन तीन चैन लेकर यहाँ पे हमें दूसरे चैन में इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से टर्न करना है और फिर एक चैन बनाना है ये देखिए इस तरह से एक चैन हमें बना लेना है और फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है और यहाँ पे हमें ये जो हमने डबल क्रोशिया नीचे सोलह बनाया है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है फिर एक चैन लेना है फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक बार ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया करना है फिर एक चैन फिर एक बार ट्रिपल क्रोशिया, इसी तरह से एक एक चैन लेते हुए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक ट्रिपल क्रोशिया ऐसे करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेना है उसी तरह से फिर से हमने ये सोलर डबल क्रोशिया के ऊपर सोलर ट्रिपल क्रोशिया के चैन के साथ बना लिया अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट चैन में से ऐसे ही ज्वाइन कर देना है इस तरह से और फिर देखिए हमें यहाँ से टर्न करना है देखिए यहाँ पे हमें कोई चैन लेकर नेक्स्ट लाइन लाइन में हमें ज्वाइन नहीं करना है डायरेक्ट हमें पलट देना है और फिर इसमें छः चैन बनाना है एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे छः चैन बना लेना है और फिर यहाँ से एक दो तीन चार चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर इसे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है फिर ऐसे ही एक दो तीन चार पाँच छः फिर से छः चैन बनाना है और फिर देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में ये चार दो डबल क्रोशिया बीच में छोड़ा है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लास्ट में हमने इसके ऊपर जॉइंट किया है उसी तरह से फिर से ऐसे ही एक दो तीन चार चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इसे इस तरह से जॉइंट कर देना है फिर एक दो तीन चार पाँच छः चैन लेना है फिर ऐसे ही एक दो तीन चार चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर इसे ज्वाइंट करना है इसी तरह से हमें ये चैन का जो हम बॉक्स बना रहे हैं टोटल पाँच बॉक्स बना लेना है उसी तरह से एक दो तीन चार और ये लास्ट में पाँच ऐसे हमने ये पांच बॉक्स बना लिया है अगर वल को कट कर देना है इस तरह से हमें मरून कलर का उल नॉट लगा कर पे पर ले लेना है और जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया है उसके जस्ट बगल वाले चैन में देखिए हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है वूल को और फिर हमें ये जो हमने ये चैन बनाया है यहाँ पे देखिए एक दो दो चैन लेकर सॉरी एक चैन लेकर अब इसमें हमें ऐसे ही चार डबल क्रोशिया बनाना है एक दो तीन और एक, एक चार ये देखिए हमने इस चैन में चार डबल क्रोशिया कर लिया अब एक दो दो चैन और फिर इसी जगह पे फिर से चार डबल क्रोशिया एक दो तीन चार ये देखिए इस तरह से हमने टोटल आठ डबल क्रोशिया एक चैन के बॉक्स में किया है एक बार चार डबल क्रोशिया फिर दो चैन फिर चार डबल क्रोशिया अब यहाँ पे हमें एक चैन लेना है और फिर नेक्स्ट चैन के बॉक्स में फिर से ऐसे ही हमें चार डबल क्रोशिया एक दो तीन चार फिर अब हमें दो चैन लेना है एक दो और फिर इसी बॉक्स में फिर से ऐसे ही चार डबल क्रोशिया करना है एक दो तीन चार फिर एक चैन फिर ऐसे नेक्स्ट ये चैन के बॉक्स में इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है इसी तरह से मैंने ये लाइन बना लिया है अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें एक चैन बनाकर इसे यहाँ पे जॉइंट कर लेना है इस तरह से फिर हमें एक दो, दो चैन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसे ज्वाइंट करना है और फिर यहाँ से ऐसे टर्न कर लेना है इस तरह से और फिर ए दो दो चैन बनाना है और फिर जो हमने ये डबल क्रोशिया किया है यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया को छोड़ के सेकेंड वाले के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया यहाँ पे देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया को हमें स्किप कर देना है और फिर यहाँ से जो हमने ये बीच में एक चैन बनाया सॉरी दो चैन बनाया था इस चैन के ऊपर हमें ऐसे एक फिर एक और दो डबल क्रोशिया कर लेना है और फिर एक दो दो चैन फिर नेक्स्ट चैन उसी चैन में फिर से ऐसे ही हमें दो बार डबल क्रोशिया कर लेना है ये देखिए इस तरह से चार हो गया अब देखिए जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन में चार डबल क्रोशिया फिर दो चैन फिर चार डबल क्रोशिया बनाया था उसी तरह से हमने सेकेंड लाइन में ये पाँच डबल क्रोशिया फिर दो चैन अब फिर इस साइड हमें फिर से ऐसे पाँच डबल क्रोशिया कर लेना है तीन चार और एक ये पाँच अब यहाँ पे हमें लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया नहीं बनाना है अब यहाँ पे हमें एक दो ऐसे दो चैन लेना है फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें तीन डबल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रोशिया फिर बीच में दो डबल क्रोशिया बनाना है जो हमने दो चैन लिया है उसमें एक दो ऐसे दो डबल क्रोशिया ये टोटल पांच डबल क्रोशिया हो गया फिर एक दो, दो चैन फिर इसी में फिर से ऐसे ही दो बार डबल क्रोशिया फिर तीन डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे तीन डबल क्रोशिया कर लेंगे तो ये पाँच हो जाएगा इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है ये देखिए पांच डबल क्रोशिया हो गया अब फिर यहाँ से एक दो चैन लेकर फिर नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट नेक्स्ट ये पैटर्न में जाना है इसी तरह से हमें ये लाइन बना लेना है तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया है उसके जस्ट बगल वाली लाइन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइन कर देना है और फिर देखिए एक सॉरी फिर से देखिए एक दो दो चैन लेकर हमें नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे ज्वाइन करना है अब यहाँ से फिर से हमें ऐसे टर्न करना है और फिर देखिए हमें एक दो तीन ऐसे तीन चैन बनाना है और फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है जैसे हमने दूसरी लाइन बनाया है सेम उसी तरह से फिर देखिए ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे तो ये देखिए चार हो गया जैसे पहली लाइन में हमने चार बनाया फिर दूसरी लाइन में पाँच अब यहाँ पे हमें तीसरी लाइन में एक तरफ छः डबल क्रोशिया ये देखिए तीन तीन छः हो गया अब एक दो दो चैन लेना है फिर इसी में दो बार फिर से ऐसे डबल क्रोशिया करना है एक दो अब फिर यहाँ पे देखिए फिर तीन चार पाँच छः ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे छः हो गया अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे फिर एक दो तीन चैन बनाएंगे और फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया को स्किप करके दूसरे नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया करना है ऐसे ही एक दो तीन चार फिर बीच में दो डबल क्रोशिया कर लेंगे छः हो जाएगा इसी तरह से हमें टोटल जैसे मैं आपको ये तीसरी लाइन बता रही हूँ फिर ऐसे ही आगे एक चार लाइन फिर पांच लाइन ऐसे टोटल पाँच लाइन बनाना है अब देखिए जैसे मैंने आपको ये तीसरी लाइन बना के दिखाया है सेम उसी तरह से चौथी और पाँचवीं लाइन भी बनाना है बस हमें यहाँ से एक एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है और यहाँ बीच से हमें एक एक डबल क्रोशिया को बढ़ाते जाना है जैसे ये देखिए तीसरी डबल क्रोशिया तीसरी लाइन में हमने ये छः डबल क्रोशिया एक तरफ बनाया फिर छः डबल क्रोशिया एक तरफ वैसे चौथी लाइन में सात फिर पाँचवीं लाइन में आठ ऐसे ही हमें ये टोटल तीन लाइन बना लेना है तो चलिए मैं आपको जैसे तीन लाइन ये बनाया है दो लाइन और टोटल पांच लाइन बना के फिर दिखा इसी तरह से मैंने टोटल एक दो तीन चार पाँच पांच, पांच लाइन बना लिया जैसे मैंने आपको ये तीसरी लाइन बना के दिखाया था सेम उसी तरह से मैंने चौथी और पाँचवीं लाइन बनाया है इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है ऐसे ही तीन तीन चैन लेते हुए हमने बनाया है बस एक एक डबल क्रोशिया हमें बढ़ाते जाना है लास्ट लाइन में हमने ये आठ डबल क्रोशिया इस तरफ और आठ डबल क्रोशिया इस तरफ टोटल एक पैटर्न में सोलह डबल क्रोशिया इस तरह से किया है अब यहाँ पे देखिए इसे हमने ज्वाइन करके ऊल को कट कर देना है एक चैन बनाकर इस तरह से पैरेट ग्रीन कलर का ऊल फिर से नॉट लगा कर लेना है और इसे देखिए हमें जब भी ऊल को हम ज्वाइन करेंगे सीधे तरफ से ही हमें ज्वाइन करना है तो यहाँ से देखिए हमें ये जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया उसके जस्ट बगल वाले चैन में से हमें इसे फिर से ऐसे ही ज्वाइन कर देना है उनको देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया अब यहाँ पे हमें कोई चैन नहीं बनाना है सॉरी एक चैन बनाना है और फिर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है नीचे वाली लाइन में ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार हमें डबल क्रोशिया करना है एक दो फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर तीन फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर चार फिर ऐसे नेक्स्ट के ऊपर पाँच फिर ऐसे ही छः फिर ऐसे ही सात फिर ऐसे ही आठ ये देखिए हमने आठ डबल क्रोशिया के ऊपर आठ डबल क्रोशिया कर लिया अब ये जो बीच में हमने चैन बनाए हैं अब इस चैन में हमें दो बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है एक दो अब फिर हमें यहाँ पे एक दो दो चैन लेना है और फिर इसी चैन में फिर से ऐसे ही दो बार डबल क्रोशिया करना है देखिए इस तरह से अब जैसे हमने फर्स्ट लाइन में ये एक तरफ हमने आठ डबल क्रोशिया किया था अब सेकेंड लाइन में ये एक तरफ ऐसे ही नौ डबल क्रोशिया हो गया फिर ऐसे ही सॉरी दस डबल क्रोशिया हो गया फिर ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें ऐसे ही एक एक डबल क्रोशिया करना है देखिए इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया ऐसे बना लेना है अब यहाँ पे एक दो दो चैन लेना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे डबल क्रोशिया करते जाना है इस तरह से हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया और जो हमने बीच में दो चैन लिया है वहाँ पे दो डबल क्रोशिया फिर दो चैन फिर दो डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर, कर लेना है जैसे मैंने आपको ये बनाकर दिखाया है अब देखिए इस चैन में हमें एक दो ऐसे दो डबल क्रोशिया फिर एक दो दो चैन और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे दो डबल क्रोशिया इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर, कर लेना ये लाइन बना लिया है अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया था उसके जस्ट बगल वाले में एक चैन बना के इसे हमें ज्वाइंट कर देना है देखिए इस तरह से अब फिर यहाँ से हमें एक दो, दो चैन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में इसे ज्वाइंट करना है और फिर यहाँ से टर्न कर लेना है और फिर अब हमें देखिए दूसरी लाइन में ये जो हमने पेरेड ग्रीन कलर का वोल लगाया है इसके दूसरी लाइन में हमें कोई चैन नहीं लेना है ऐसे ही डायरेक्ट जैसे हमने ये डबल क्रोशिया किया है ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे एक एक बार डबल क्रोशिया करना है और बीच में हमें ऐसे ही दो डबल क्रोशिया दो चैन जैसे मैंने हर एक लाइन में बनाया है सेम उसी तरह से हमें ऐसे ही बनाना है ये देखिए इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया अब यहाँ पे देखिए बीच में जो जो दो चैन हमने लिया है वहाँ पे ऐसे ही दो डबल क्रोशिया फिर एक दो दो चैन और फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे ही दो डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पे ऐसे ही हर एक चैन के ऊपर सॉरी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया ऐसे ही करना है देखिए इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है इस तरह से ये देखिए फिर ऐसे ही नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने फर्स्ट लाइन में ये पेरेड ग्रीन के फर्स्ट लाइन में दो चैन लिया था अब हमें दूसरी लाइन में कोई चैन नहीं लेना है डायरेक्ट ऐसे ही नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे डबल क्रोशिया करते जाना है इसी तरह से जैसे मैं ये दूसरी लाइन आपको बना के दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से हमें एक लाइन और बना लेना है तीसरी लाइन उसमें भी हमें सेम दूसरी लाइन की तरह ही तीसरी लाइन भी बना लेना है तो चलिए मैं आपको बना के फिर जैसे मैंने ये तीन लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे लास्ट में ज्वाइन करके वूल को कट कर लिया है ऐसे ही हमारा ये दूसरा पैटर्न बन के रेडी हो गया है देखिए सेम उसी तरह से अब इसे आप यहाँ चाहे तो सुई धागा से इसे एक दूसरे में जॉइन भी कर सकते हैं और फिर देखिए अब यहाँ से हमें ये तीसरा पैटर्न बना लेना है तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से तीसरा पैटर्न बना के फिर दिखाती हूँ इसी प्रोसेस से मैंने ये तीनों पैटर्न बना के रेडी कर लिया है और ये हमारा तोरण बन के रेडी हो गया है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय